किसे की ना मन रहो जाट हो है जहर जो जाट की ना मन रहा हो है जाटनी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। और एक जाना है हमने बांध में ना डोली हूँ बांध बैठेगा, बताऊँ थी कि एक शादी और शुरू होगी तो उसमें जाना है। थोड़ी देर में आटा लगा दिया है, बर्तन वर्तन रसोई वसोई सब कुछ साफ कर दी है, अंदर का कमरा भी सारा साफ सूफ कर दिया है, और तो सारा काम हो गया, बस रोटी रोटी बनानी रह रही है। तो चलिए गाइस, जो कुछ होगा थोड़ा बहुत थोड़ा भी दिखाने का आता है वो भी दिखाऊंगी आपने बांध बैठेगा। तो मिलते हैं। इतनी बढ़िया डेकोरेशन कर रखी है, बेबे कहीं घेरा कड़ा ले दे, क्या बात है बेबे कह दी ना, तू ज्यादा है। तेल लाग रही सके जरूरी गाइज गीता में ता लिए हैं, और फिर छोरी बात नो तना रही थी आंटी रास्ते में तो फिर पकड़ लेगी, तो ये मगेर पर साधु ने दिया है के करा। ईव एक बज गया, 11:30 बजे घर तक निकले थे, वो आंटी बुला लेगी तो सोमवीर जी की रोटी बनाऊ ही न जाना है ड्यूटी पे। गाइस मैंने आटा लगा रखा था, यो मेथी का लगा के जा रही थी तो रोटी बनाऊ जल्दी तो ड्यूटी पर जाएंगे। फिर ये सोमवीर जी रेडी भी होलिए जी, सोमवीर जी रेडी हो रहे हैं। ईव बनाई 2 मिनट में, इतना हाथ मुंह दो बैठो। गाइज 1:30 बज गया और 1 बजे आई थी, रोटी राटी खा ली है सोमवीर जी ने और जा है ड्यूटी पे। बाय। गाइज सोमवीर जी चले गए हैं ड्यूटी पे, और हनी भी आ गया था स्कूल तक, तो प्रेस कर रखी इन कपड़े का, तो प्रेस के कपड़े उठाऊंगी, ये उठा कर ना रखे थे। झाड़ू पोछा भी कर गई है, सारे का कपड़े उठाने ही पे, और मेरे ते और भी रह रहे हैं, ये तो ही नहीं क्या कोई है। पर है हनी कंप्यूटर क्लास पर गया, रितिका ही बाई ना हटाने वाली है, तो फिर मैं थोड़ी देर ती और डाना अकेली हो जाऊँ। तो चलो आने वाले हैं वे, एक बार पहला प्रेस के कपड़े रख दूँ और चाय रखूँ, चाय बनाऊँगी। 4 बज रहे हैं तो रितिका भी बस आने वाली है, तो किचन का काम मैंने सारा निपटा दिया था, और ना मेथी की रोटी दही लस्सी गुड़, और अन्नी ने बनवाए हैं पराठे अपने, उके बनाए मैंने पराठे, किचन विचन सारा कति साफ कर रखा, चाय बनाऊंगी बस। अन्नी ने बोला मैं तो पराठे खाऊंगा मम्मी, उसने खाए पराठे, एक नंबर के बन रहे हैं कति। और ना मेथी तो मतलब न्यू कवे है कि काल जा जले जावे है खावे है, जब
मेरे से ऊपर खा लो, लेकिन हना आटे में हना आप हमेशा बस मेथी और नमक डाल के भेजियो और मेरे से मत डालियो, तो जब देखियो आपने मतलब कत्ती भी नहीं सेधेगी किसी भी उस पर ना, तो कालजा जले जाओ उसमें मेरे से डालना है। तो मैंने यो दो तीन बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, पहला है ना कत्ती नुआड़े तो जले जाया करता गला सा, ई कत्ती कत्ती भी नहीं जलता, एक नंबर की टेस्टी रोटी बनी थी, नमक नमक डाल के बना के देखियो आप। तो चलो गाइस मैं चाय बना लूँ। आज शाम के बज गए हैं 6 और ईब होंगे रेडी, तो न रीति घर भी आ जाएंगी, और दो जगह जाना है, तो एक जगह थी बस सगाई होने लग रही है, तेन सोचा है कि पहला उड़ा जवारी करा वा और दूसरी जगह फिर नू हके कर रह जाएगा, तो आखिरी दो जगह जाना है ना, दो जगह की भी तो टेंशन हो जाए ना, तो थोड़ी देर उनको चले जाएंगे, लाइट चला दी है। तो चलो एक बार मैं रेडी हो लूँ। सगाई होने लग रही है, सगाई होगी जोड़ी देवे है, जवारी होने लग रही है। खाना खाना आ गए हैं, रितिका नहीं हो पा रहा जितेंद्र ने यो सूट पहरा, सदन का क्या मतलब होया, आ तो रही है परियर कित गई। हम घर आ गए हैं, खाना वाना खा के हर हन्नी ईब गया है, तो हन्नी रन्नी के पापा जी ईब चले जाएंगे और मैं रितिका आ गए हैं। रितिका थक जा हकती सुबह निकला वक्त है रिति, रितिका ने बोली मम्मी मैं थक गई बहुत ज्यादा, तो इसका भी कसूर ना सुबह निकला है 6:30 बजे उठा है और ईब टाइम 8:30 हो रहा है, तो हम इस मारे फिर आ गए घर। मका चल भाई फिर सुबह इसने फिर जाना, तो चलो मिलते हैं गाइस। तो गाइज ईब आराम कर लिया थोड़ी बहुत देर, और हन्नी भी आने वाला है, काम वाम तो कुछ है कौन है, किचन विचन सब कुछ मैं साफ कर गई थी। ईब बनाऊंगे एक रील जो कि सूटा की होगी, वो गेरेंगे और के रहेगा काम, और कुछ नहीं है, कॉफी पियाई दूध भी ना पीऊँ बता उड़े। तो चलिए गाइज ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Bye, good night. 'Cause like-